ओए मेरे यारा, चल हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। क्या हुआ विशेष? चकी वो कॉल कर रहा है यार, और कंचन जी को धमका रहा है कि वो रिश्ता तोड़ दे। एक सेकेंड, किसका कॉल? कहीं वो वही तो नहीं? दो ही बातें हो सकती है, या तो ये आदमी बहुत बड़ा बेवकूफ है या फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल। बेवकूफ तो वो नहीं है, पर उसने कॉल करके ये जरूर जता दिया है कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। हमें उसका पता लगाना होगा। उसका नंबर दिखा मुझे। प्राइवेट नंबर है यार, पर प्राइवेट नंबर को भी ट्रेस किया जा सकता है। अब की बार जैसे ही कंचन जी के फोन पर ये कॉल आएगा, हम उसे टैप करेंगे और उसकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। छोड़ेंगे नहीं उसे, हम ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। तब कंचन जी अकेली थी, अब नहीं। राजकुमार जी, सौरव जी आपसे मिलने आए हैं। आते हैं। माता जी, निभाई अपने समधियों से रिश्तेदारी? जी निभाए। अब आपसे भी यही बिनती है, वहां हल्दी हो चुकी है, आगे की रस्में तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपकी जरूरत वहां पड़ने वाली है नहावन की रस्म के लिए। आप घर की सबसे बड़ी हैं, आप ही को जाकर हल्दी उतारनी है बहू की। आप क्या सोच रही हैं माता जी? आपका इंतजार हो रहा है वहां। अगर आप अपना फर्ज नहीं निभाना चाहती हैं तो मजबूरन हमें ही वहां जाना होगा। हमारी बेटी की शादी है, चाहे इसमें हम खुश हों या ना हों, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बताइए ना भाई साहब, आप कह रहे थे कि कुछ खास बात है। विशेष, हमने सुना है कि आपने कंचन से शादी करने का फैसला किया है। जी, हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और दुनिया भी आपसे थोड़ी ज्यादा देखी है, इस नाते आपको आगाह करना चाहते हैं। आप जिस लड़की को इस राजघराने की बहू बनाना चाहते हैं, वो लड़की और उसका अतीत, वो आपके आने वाले समय में आपको तकलीफ दे। विशेष, ऐसा नहीं है कि हम इन सब बातों को मानते हैं, और इस समाज के कुछ नियम हैं, कानून हैं। कल जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप उन सवालों के लिए तैयार हैं? मगर आपके इस फैसले का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जिनकी कोई गलती ही नहीं है, जैसे आपकी माँ, आपका परिवार, और जाने अनजाने आपके इस फैसले की वजह से आपने कंचन के लिए भी एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी तो उसकी भी होगी। आपसे जुड़ने वाली हर चीज, हर इंसान की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, इसका अंदाजा नहीं है आपको भी। भाई साहब, कंचन जी से शादी करना हमारा निजी फैसला है, पर हम उन पर तरस खा के शादी नहीं कर रहे, ना ही समाज में कोई मिसाल कायम करना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। हम उन्हें अपना जीवन साथी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और रही बात इस फैसले पर स्क्रूटिनी की, तो
तो हमें पूरा यकीन है कि लोगों को हमारा ये फैसला जरूर सही लगेगा। उसका वो लोग सम्मान करेंगे। हमारा दिल कहता है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही। अगर आप इतने क्लियर हैं, इतने श्योर हैं अपने फैसले को लेकर, तो हमारे पास कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। हमें आपकी और आपके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई साहब, सारी पुरानी बातें भुलाकर हमसे बात करने के लिए और हमारे दिलों के इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। और एक बात भाई साहब, आपके आशीर्वाद के बिना हम शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चाहे आप इसे अपने छोटे भाई की जिद समझिए या रिक्वेस्ट, आपको शादी में जरूर आना पड़ेगा। जरूर। आइए बड़ी रानी जी। कहाँ है वो? कंचन, जी बिरा जी है। कीर्ति, कंचन को स्नान के लिए ले जा। नावम की रसम से क्या क्या धुलेगा नंदन? सबके पाप भरो प्रभु, सबके पाप भरो। इतना कड़वा बर्ताव रहा तो मेरी बच्ची कैसे खुश रहेगी? वो
हेलो। हाँ कीर्ति, तुम ठीक हो? जी। और कंचन जी? कीर्ति? हेलो। दीदू भी खुश है। दोबारा कोई फोन आया? नहीं, कोई कॉल नहीं आया। तुम चिंता मत करो कीर्ति, अगली बार अगर उसका फोन आएगा तो हम उसका फोन ट्रैक करके उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। अच्छा, कंचन जी को फोन दो ना। जी। दीदू, जीजू का फोन। हाय मिस्टर प्रिंस चार्मिंग, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। हम भी बहुत मिस कर रहे थे आपको। तो बताइए कैसी रही हल्दी? अच्छी थी। पता है, दादी माँ ने पहली बार इतने अच्छे से बात की। अच्छा कंचन जी, हम दादी माँ के मिजाज को भी अच्छी तरह से जानते हैं और आपके मिजाज को भी। दादी माँ ने जरूर वहां कुछ कहा होगा, लेकिन आपने आपने अपनी समझदारी से उस बात को इग्नोर कर दिया होगा। उसके लिए थैंक यू। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को। वैसे भी दादी माँ और हमारी सोच में दो पीढ़ियों का फर्क है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा बताओ ना, तुम्हारी हल्दी कैसी रही? हल्दी का रंग चढ़ा भी या नहीं? कंचन जी, थोड़ी सी कमी रह गई है, आप आकर पूरी कर देना। एक मिनट, मुझे ना कोई प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहा है। नहीं कंचन जी, फोन मत उठाइएगा, ये सब स्पैम कॉल्स होते हैं, बातों ही बातों में आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते। नहीं आप फोन। मैं ऐसे फोन नहीं उठाती। हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि वो प्राइवेट नंबर कंचन जी को परेशान ना कर सके। आज अनन्या को दिखाई नहीं दे रही। समझ गए, अनन्या के इकलौते भाई की शादी है, उनकी भी कुछ अरमान होंगे, है ना? माफ कीजिए सौरभ, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये शादी नहीं है, ये हमारे खानदान के मुंह पे एक तमाचा है। सही कह रही हैं आप भाग। तो भाई साहब, अनु है कि इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। हम ऐसे कैसे शादी में मुंह उठा के चले जाएं? बस इसी बात का शोक मना रही है वो, शादी में ना जा पाए। और विशेष, ना जाने उन्हें क्या हो गया, कौन सी धुन सवार है उनके सिर पे। कृष्णा, हर सुख दुख में हम दोनों परिवारों ने एक दूसरे का साथ दिया है। परेशान तो वहां भी लोग हैं, और सुमेर रिश्तों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन कड़वाहट नहीं। पर आप क्यों भूल रहे हैं विशेष के साथ आपके क्या रिलेशन है? रही बात अनन्या की, तो उनके सगे भाई हैं विशेष, कम से कम उन दोनों के रिश्ते का सम्मान तो कीजिए, थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए। हमने तय कर लिया है, हम इस शादी में जाएंगे। मगर भाई साहब, इस बात पर कोई बहस नहीं होगी समीर। ठीक है भाई साहब, अब अल्टरनेट। सौरभ, हम चाहें तो भी आपके इस फैसले में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। आप लोग जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसी लड़की जिसका I'm sorry।
हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा, माफ करना तुम्हें, सुबह सुबह शादी ब्याह की रस्मों के बीच से इस तरह बुलाना पड़ा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। पापा कोई बात नहीं, आप बताइए ना, क्या बात है, क्यों परेशान है आप? बेटा उस दिन सगाई वाले दिन के बाद से हमें ऐसा लगता है कि राजघराने के परिवार के लोग इस रिश्ते से खुश नहीं है और मैं अपनी बच्ची को ऐसे घर में कैसे भेज दूं जहां लोग उसे नफरत हकारत भरी नजरों से देखते, जहां शायद कोई उसे अपनाए भी नहीं। ऐसा नहीं होगा, एक पिता के नाते आपकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है, समझते हैं हम, लेकिन इस बात का आश्वासन आपको देते हैं कि आपकी बेटी के साथ हम हर कदम पर खड़े रहेंगे, उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेटा तुम पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन ये शादी ब्याह इसमें परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। और आइए हमारे साथ। लोग अग्नि को साक्षी मानकर वचन देते हैं, हम आज इस ईश्वर को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं कि हम जीवन भर कंचन का साथ देंगे, पिता के मान सम्मान और बेटी के स्वाभिमान इन पर कोई आंच आने नहीं देंगे, हम उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहेंगे, उनकी खुशी अब हमारी जिम्मेदारी है। Excuse me. Courier. यहां साइन कर दीजिए। Thank you. Thank you. कभी उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी और चिंता होगी तो उनकी चिंता हमारी चिंता होगी, इसलिए आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए। टॉय? शादी के घर में टॉय किसने भेजा? दीदू की किसी दोस्त का मजाक होगा, उन्हीं से पूछ दे। बहुत बहुत दुख झेले इस बच्ची ने और मैं नहीं चाहता कि अब उसकी जिंदगी में कोई और दुख आए, खुश रखना उसे। आपके दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आपकी बेटी कितनी समझदार है, उसने 3 साल अपने आप को संभाला है, इस घर को खुशहाल रखा है और हमें पूरा यकीन है कि राजमहल को भी वो इसी तरह से रखेगी। और किसी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी माँ उन्हें पूरे दिल से अपनाएंगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन हल्का हो गया तुमसे बात करके, बहुत बहुत तसल्ली मिली। आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। दीदू, दीदू, दीदू कहां चली गई? Shit.
साइलेंट पे नहीं किया शुरू। प्राइवेट नंबर कीरू, कीरू कहाँ है? मेरा फोन बजा था अभी, कहाँ गया? जीजू, जीजू, प्राइवेट नंबर। यही सही मौका है उस आदमी को पकड़ने का। इधर आ, फोन उठाओ और स्पीकर पर रखना। तोहफा तो मिल ही गया होगा, कुछ याद आया?